नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे फास्ट हिंदी न्यूज चैनल में। तो आज की हमारी न्यूज है, 2019 में करियर का सबसे बड़ा दांव खेलेंगे मुकेश अंबानी, यह होगी रणनीति। दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी ने देश में लोगों को एक दूसरे से जोड़ने और हर घर में अपनी पैठ जमाने के लिए दूरसंचार पर $36 अरब करीब 24 खरब रुपए खर्च किए। अपनी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के बेहद कम दर पर 4G इंटरनेट डेटा और कई ऐप सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं ताकि ग्राहकों की संख्या बढ़ती रहे। लेकिन नए साल में वे विभिन्न माध्यमों से कमाई का जुगाड़ करने जा रहे हैं। इसके लिए उनका 4C प्लान तैयार है। रणनीति के 4 हथियारों में कनेक्टिविटी, कैरेज, कंटेंट और कॉमर्स शामिल है। कनेक्टिविटी मुकेश अंबानी की अनोखी रणनीति का पहला हथियार है, लेकिन साल 2019 के लिए मुकेश अंबानी का रिटेल प्लान ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अगले साल भारतीय उद्योग जगत की रणनीति को परिभाषित करेगा। ई कॉमर्स के लिए फरवरी 2019 से FDI के नए नियमों में सख्ती ने उनकी रणनीति को और धार मिलेगी। कुल मिलाकर ये चारों हथियार मुकेश अंबानी के करियर के सबसे महत्वाकांक्षी कारोबारी दांव की नींव है। वह जियो जीगा फाइबर का नेटवर्क पूरा करने और डेटा खपत में हिस्सेदारी 80% करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने टेलीकॉम आर्किटेक्चर को घर घर तक पहुंचाने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 2 सबसे बड़ी कंपनियों हैथवे और टेन नेटवर्क्स का अधिग्रहण किया है। लेकिन नेटवर्क को घर घर पहुंचाने के साथ साथ भारी मात्रा में कंटेंट की भी जरूरत है। इसके लिए जियो ने शॉपिंग मीडिया कंपनियों को बढ़ावा देना, स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज, ऑनलाइन म्यूजिक और वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा स्टार्टअप की शुरुआत की है। इसके बाद रिटेल और फाइनेंशियल सर्विसेज का नंबर आता है। अब जियो ने लोगों को अपने नेटवर्क से जोड़ लिया है। तब मुकेश अंबानी पैसा बनाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर कॉमर्स की शुरुआत करेंगे। इसमें अर्थात निवेश किया जाएगा और यह देश का सबसे बड़ा कॉमर्स होगा जिसके पर फैशन, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स और वित्तीय सेवाओं के साथ साथ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज उपलब्ध होंगी। एक बार जब मुफ्त देने की रणनीति खत्म होगी तो हाई एंड ब्रांडेड कनेक्शन के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपने शुरुआती साल में जियो ने दुनिया के किसी भी अन्य सेवा प्रदाता से अधिक डेटा दिया और भारत गूगल प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करने के मामले में अमेरिका से भी आगे निकल गया। मॉर्गन स्टेनल के मुताबिक सितंबर 2016 में प्रति यूजर्स मासिक डेटा ट्रैफिक 570% को पार कर गया, क्योंकि जियो ने देश के 18,000 शहरों और 20,000 गांवों को नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, ऐसी फास्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।